बहुत अजीब सा, मैंने मैंने आई वॉज मैं कभी बिग बॉस की फ़ैन नहीं थी। मैं बिग बॉस शो कभी बहुत ध्यान से नहीं देखती थी कि अंदर क्या चीज़ें हो रही है, स्ट्रेटजी क्या है गेम जीतने की। मैं बस मैंने सोचा था कि अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। यू नो ऑनेस्टी, आई थिंक ऑनेस्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि ऑनेस्टी के साथ चलो। दैट्स इट। और मैं वैसे ही रही हूँ बिग बॉस के घर में जैसी मैं हूँ। घर के अंदर सबकी स्ट्रैटेजी समझ में आ रही थी। शिल्पा शिंदे की क्या स्ट्रैटेजी थी, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपने खेला? वही जो मैंने अभी कहा, एक्चुअली मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई। बेसिकली उन लोगों ने जो मेरे साथ स्ट्रैटेजी अपनाई वो मेरे पे वो वर्क कर गई। जैसे इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें हैं कि काम नहीं करना है तो काम नहीं करना है तो मैंने काम शुरू किया। गौहर आई थी, गौहर सेज कि आप सिर्फ किचन में दिख रहे हो, आप बाहर आओ। तो कुछ लोग, मैं किचन में दिख रही हूँ तो किचन में नहीं आए, यू नो दैट सव्यसाची ही यूज़ टू कुक ऑल्सो विथ मी। सो सेड कि आप सिर्फ किचन में दिख रहे हो, तो ही वॉज आउट ऑफ किचन, मैं नहीं करूँगा किचन में काम। आई वॉज देयर ओनली बिकॉज दैट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोगों ने कहा कि मैं किचन में, मेरी तारीफ़ हुई, जैसे सलमान जी ने मेरी किचन में तारीफ़ की कि आप रोटियां बना रहे हैं या जो भी है। मैं, मुझे माँ का दर्जा मिल गया, खाना बना रही हूँ, अच्छा खाना खा रहे हैं। आज तक बिग बॉस के सीज़न में हमेशा खाने को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई है, बहस हुई है, यहाँ पर वो भी नहीं हुई। तो जैसी वो तारीफ़ हुई तो उसका उल्टा गेम पड़ गया। तो स्ट्रैटेजी सामने वाले ने खेली जिसका फिर मुझे फ़ायदा हुआ। मैंने वो एक्शन रिएक्शन होते हैं हमेशा, उस एक्शन के बाद मैंने उतना रिएक्ट करना बंद कर दिया। जो मतलब जो एक पेशेंस बहुत होना ज़रूरी है, तो मैंने स्टॉप, अब रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। तो फिर दूसरी चीज़ें फिर टास्क के ऊपर आ गए कि मैं टास्क नहीं करती, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढनी है। तो मेरी स्ट्रैटेजी एक्चुअली कुछ भी नहीं थी। अच्छा, हर किस चीज पर सबसे ज्यादा ये सवाल ऐसा है कि पूरे 19 लोग में आप एक हो गए, तो 18 लोगों में किस किस का बर्ताव आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी और उनको माफ नहीं करेंगी या नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा है? किस किस का बर्ताव आप, बुरा बर्ताव आप भूल नहीं पाएंगी, उनको माफ नहीं करेंगी, या ये बर्ताव आपको जीवन भर याद रहेगा, बुरा बर्ताव? एक्चुअली अर्शी और आकाश का जो बर्ताव था बहुत वियर्ड था, ऑल ऑफ सडन था। जहाँ तक अर्शी की बात करती हूँ, वो मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, आई थिंक वो पजेसिव हो गई थी मेरे लिए। मैं किसी से बात नहीं करूँ, शिल्पा और अर्शी की जोड़ी बने, उसका हमेशा ये कहना था कि शिल्पा और अर्शी की जोड़ी बने, शिल्पा और अर्शी की जोड़ी बाहर बाहर आए। तो मेरा किसी के साथ भी बिहेवियर जो नॉर्मल बिहेवियर था उसको पसंद नहीं था। वो मुझे वही बोलती थी कि तुम्हें कोई उल्टा जवाब दे रहा है, तुम उसको बैक आंसर क्यों नहीं कर रही हो, एंड यू आर नाइस विद देम, और ऐसे। तो वो था, इसीलिए मैं उसके साथ, मुझे इतना कोई गिला शिकवा नहीं है। आकाश भी बेवकूफ़ ही कहलाएगा, उसको अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। उसका हमेशा मैं उसी में रह गया। बाकी मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगी, वो हिना खान है, क्योंकि उसने मुझे जाने अनजाने में सोच समझ कर, स्ट्रैटेजी अपना कर मुझे बदनाम किया है। मेरी चीज़ों को पर्पसली गलत दिखाया है जो नहीं थी। बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाई कि मेरा गेम, मेरा कैरेक्टर वो कैसे डाउन करे। जैसे सलमान जी भी कुछ चीज़ें बोलते थे तो शी यूज़ टू से कि वो बायस्ड है शिल्पा के लिए, यू नो शिल्पा की साइड ले रहे हमेशा, अपनी गलती देखी नहीं है। तो मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं कभी नहीं। एडवाइस भी जब आपने शेर खान का जब मग तोड़ा, हमने हमेशा आपको देखा सीजन में, आपने बहुत चीज़ें बचाई है लोगों की, लेकिन जब आपने वो मग तोड़ा तब क्या फीलिंग थी? थोड़ा सा दर्द हुआ, नहीं हुआ वो बताइए। ऐसा नहीं है कि वो हिना खान का मग था इसलिए दर्द नहीं हुआ। हमने घर में बहुत झगड़े किए हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत इमोशनली, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे थे कि नहीं जाने दो, इन चीज़ों के साथ इमोशंस जुड़े हुए नहीं करनी चाहिए। वो मुझे एक मौका, मुझे बिग बॉस ने दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा गया कि शिल्पा टास्क नहीं करती।
और मैंने कहा कि टास्क मैं अपने तरह से करती हूँ, अपने अपने क्लास अब मेरा जो क्लास है उसे मेंटेन करके मैं टास्क करती हूँ. नहीं नहीं, टास्क करना चाहिए. और उसके लिए मुझ पर मतलब जो फेमस अर्शी खान थी टास्क नहीं करती, ऑल ऑफ सडन मेरे पे आ गया कि मैं टास्क नहीं करती. तो जब मुझे वो मौका मिला तो मैंने कहा मैं टास्क कर रही हूँ. और मुझे वो प्रूव करना था कि टास्क के नाम पे आप किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकते. आप किसी का दिल रखते हो, आप गिवअप करते हो, आप टास्क को छोड़ देते हो, किसी आगे उसे आगे जाने के लिए करते हो, तो वो भी एक दिल रखना ही होता है. विकास का हो गया अभी, अभी मौका मिलेगा आपको एनटीवी में जाने के लिए, तो आप काम करिए एनटीवी के साथ या नहीं? मुझे नहीं लगता मैं करूँगी, नहीं कर पाई. लेकिन विकास के साथ आप काम करेंगे? देखो विकास के साथ मैं उसको मैंने एक टास्क के वक्त प्रॉमिस किया था कि एक छोटा वेब सीरीज करेंगे, तो वो मैं बस करूँगी. शिल्पा आपने सलमान खान और शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब शिल्पियंस ने इतने ट्वीट किए, 3.5 मिलियन लगभग ट्वीट हुए हैं शिल्पा टू द विन करके, उसके बारे में आपको क्या कहना है? प्लस मतलब आप ट्रेंडी रहे हैं पूरे सुबह दिन के 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक, इतना ट्रेंडी, इतना पागलपन है फैंस के बीच में आपके लिए, क्या कहना चाहेंगी और फैंस को क्या थैंक्स बोलना चाहेंगी थोड़ा सा बताएंगे? सी इतना प्यार मुझे दिया है तो थैंक्स बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ऑब्वियसली फ़िलहाल मुझे थैंक्स ही बोलना पड़ेगा. मतलब मैं सच्चे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरी मेहनत जो थी, मेरा वहाँ पे जो मैंने पेशेंस रखे, जिस तरीके से मैंने वहाँ पे सर्वाइव किया, तो मैं अपने फैंस को सच में बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि शायद आज उनके वजह से मैं विनर बनी, नहीं तो पता नहीं क्या होता. क्योंकि बाकी ऑब्वियसली जो राइवल्स थे वो घर के बाहर भी उनका काम कर रहे थे, मैंने सुना बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से बाहर आ रही थी. टीवी इंडस्ट्री के किसी भी आर्टिस्ट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जैसे मुझे पता है बिंदु जी थे जो दारा सिंह के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. सिर्फ हाँ पिछले सीज़न के मन्नू थे या कुछ बहुत कम लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था. तो जो आज मैं जो कुछ भी हूँ ऑब्वियसली उनकी वजह से हूँ, और इतने अगर मेरे फैंस हैं तो आई होप मैं उन्हें और एंटरटेन करूँ. हीना खान पे ट्रिप पे जाएंगे, जो खान से कि आप लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं सब मिलके, तो आप भी जाएंगे? आपको लगता है अभी मैं उनके साथ टाइम जो बिता के आई मैं ट्रिप पे जाऊँगी? एनी एडवाइस? She is very well matured girl, yaar. She should be little calm actually. Behave very little calm. यहीं पे दिखाई दे रही हूँ मेरे फैंस के लिए, क्योंकि मैं सो ही नहीं हूँ कल से. कोई काम मतलब आपने लाइनअप किया होगा कि अब ये काम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं शिल्पा वो 7 मिलियन लोग जिन्होंने आपको ट्वीट किया दुनिया भर के लोगों ने. मतलब आपका क्या है? टीवी नहीं, टीवी बहुत कम, क्योंकि टीवी में मुझे वापस शिल्पा शिंदे ही, मुझे शिल्पा शिंदे ही रहना है, मुझे वो कैरेक्टर बन के नहीं रहना. तो लेट्स सी, कोई शो होस्ट करना चाहूंगी मैं. मराठी बिग बॉस अगर, बिल्कुल बिल्कुल. सलमान के साथ काम करेंगी कुछ? और अगर काम करेंगी तो किस तरह का रोल आप सलमान के साथ करना चाहेंगी? जी देखो, मैंने सलमान जी ने मुझे यहाँ तक जो सपोर्ट किया है, जिस तरीके से मेरा पक्ष उन्होंने रखा है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैं ऐसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि सलमान जी मुझे फ़िल्म दे या और किसी काम को काम की ऑफ़र दे. मैं जितना भी हुआ है मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उसी में खुश हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.